आरक्षण का विरोध, यानी कि देश के लोगों का, जो पिछड़े और वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका विरोध। और अगर देश के लोगों का विरोध है तो वो देश का विरोध है और देशद्रोही ऐसा काम करते हैं, वो देशद्रोही होते हैं जो देश के गरीब और वंचित लोगों के आरक्षण का या उनको कुछ लाभ देने का विरोध करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नागपुर जाना चाहता है और नागपुर की रेल की टिकट बुक कराना चाहता है तो वो एक टिकट, दो टिकट, चाहे तो पूरी ट्रेन को बुक करा सकता है, खुला हुआ सबके लिए होता है। पैसा देगा, उसकी सीट रिजर्व हो जाएगी या पूरी बोगी या पूरी ट्रेन भी बुक करा सकता है। उसको बोलते हैं आरक्षण यानी रिजर्वेशन, यानी कि आपकी जो सीट है वो रक्षित हो गई, रक्षा में आ गई, सुरक्षा में आ गई, अब किसी को नहीं दी जाएंगी, इसको आरक्षण बोलते हैं। मगर अगर पूरी नागपुर की ट्रेन में 100 सीटें हैं और 100 सीटों में जो भारत में लोग कैटेगराइज किए गए हैं या जिनको वर्गों में बांटा गया है या सेक्शन में बांटा गया है, चाहे वो कास्ट बेस्ड कास्ट का सेक्शन है, चाहे वो रिलीजियस सेक्शन है, चाहे वो अमीर गरीब का सेक्शन है, अगर उसके हिसाब से सीटें बटेंगी तो उसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर भारत के अंदर 100 सीटें उसके अंदर हैं और भारत में 100 तरह के लोग रहते हैं, जिसमें 5 तरह के लोग ST हैं या 10 तरह के लोग SC हैं या 50% लोग उसके अंदर OBC हैं या 70% 15% मुसलमान हैं या 10% बाकी सब लोग हैं या जो हिंदू सिख मुसाई इसलिए मिला के इतने परसेंट हैं, तो उन्हीं के हिसाब से वो सीटें बटेंगी, क्योंकि रेल एक है और जाना सबको है, तो इसलिए 1x1x सबको मिलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 की 100 सीटें एक ही तरह के आदमी को दे दी जाए, इसको इनह्यूमिनिटी बोलते हैं, अन्याय बोलते हैं। बाकी लोगों में रोष आएगा, बाकी लोग विरोध करेंगे और विरोध स्वरूप वो जो लोग एक ही तरह की ट्रेन में भर जाएंगे उनका विरोध करेंगे जमके, और विरोध करेंगे तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो देश आगे नहीं जा पाएगा, पूरी दुनिया में बदनामी होगी और पूरी दुनिया के लोग कभी वहां आना पसंद नहीं करेंगे, ना व्यापार करना पसंद करेंगे। इसलिए जो लोग विरोध करते हैं इस बात का कि अगर 100 लोग ट्रेन में जाने हैं और एक ही तरह के भर जाएं उसमें, बाकी लोग ना जाएं या सभी तरह के लोग ना जाएं, वो दरअसल देश के प्रति बहुत बड़े गद्दार हैं और वो देशद्रोह का काम करते हैं, और अगर वो इसको प्रचारित करते हैं तो वो देशद्रोह में आतंकवाद का काम कर रहे हैं। यूं तो कभी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, यानी कि प्रतिनिधि पॉलिसी, तो इसको कभी कहा नहीं गया, ना ही इसको रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी कहा गया, इसका नाम ही बदल दिया गया। इसका नाम बदलने से ज्यादा नुकसान हुआ, इसको आरक्षण पॉलिसी बोला गया, इसको रिजर्वेशन पॉलिसी बोला गया। बेशक ये प्रतिनिधि जो पॉलिसी है या उसकी टेक्निक है, तो यूं तो कभी जो जितना आरक्षण जिस जिन लोगों को दिया गया वो कभी पूरा हुआ ही नहीं। SC ST को शुरू में आरक्षण दिया गया, तो शुरू में OBC को आरक्षण नहीं दिया गया, उनकी गणना भी नहीं हुई। SC ST का जो आरक्षण है वो पहले पूरा ही नहीं किया, पहले तो वो लोग पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो इसलिए वो मिलते ही नहीं थे, तो अधिकतर लोग कहते थे कि भाई नॉट अवेलेबल हैं। जब वो मिलने लगे तो उनको कहा गया कि ये कम पढ़े लिखे हैं या इस तरह की पढ़ाई लिखाई इन्होंने नहीं की है, तो उनको नॉट सुटेबल कहा गया। यानी पहले तो वो मिले नहीं, नॉट फाउंडेबल हो गए, उसके बाद वो नॉट सुटेबल हो गए, और उसके बाद जो कुछ मिले भी तो उनको कहीं इधर उधर डाला गया और उनको परेशान किया गया। तो पूरा रिजर्वेशन आज तक भी खातों में और बही खातों में कहीं नहीं है। आप चाहें तो आंकड़े चेक कर सकते हैं, अगर कोई आपको आंकड़े ना भी दे तो जिस दफ्तर में, जिस जगह आप काम करते हैं वहां देख लें कितने लोग काम करते हैं, कितनी लिस्ट वहां मिल जाती है। फिर भी जितना मिला छोटा थोड़ा बहुत, उससे वो लोग संतुष्ट हो गए जिनके लिए ये मिलना था, उन्होंने ज्यादा चर्चाएं वगैरह नहीं की और काम स्मूथ चल रहा था। मगर जैसे ही OBC के आरक्षण की बात आई और ये आया कि OBC अपने 52% जनसंख्या के अनुसार अपना आरक्षण मांग रहे हैं और उनको आरक्षण चाहिए, संवैधानिक उनका अधिकार है, तब आरक्षण के प्रति कुछ लोगों ने बाकायदा एक एजेंडा बना के उस पर घात किया, उस पर आघात किया। क्योंकि 52% अगर OBC को आरक्षण चला गया तो जो लोग सारा आरक्षण ले रहे हैं पहले से उनकी संख्या कम हो जाएगी, और वो लोग नहीं चाहते कि देश का जो आरक्षण का बंटवारा है, जो OBC देश के ही लोग हैं, उनको मिले। इसमें सबसे ज्यादा जो मार हुई वो SC ST आरक्षण पे हुई, क्योंकि आरक्षण को बदनाम करने के लिए उन्हीं के पास आरक्षण था, तो इसलिए उन्हीं के आरक्षण पे सबने घात लगाई और सबको बदनाम किया। कुछ जो पढ़े लिखे लोग जो पढ़ लिख पाए, वो इंजीनियर, डॉक्टर या कहीं अकाउंटेंट या कहीं
छोटे मोटे कंपाउंडर या कहीं यूडीसी एलडीसी वो लगे अपनी काबिलियत के अनुसार। बेशक उनकी काबिलियत हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक तो वो अशोक सम्राट के समय सारे पढ़े लिखे थे, तो वो पुराने पढ़े लिखे लोग हैं, बेशक उनकी शिक्षाएं खत्म कर दी गई बीच में। दूसरा, उनको इसलिए काबिल कहेंगे क्योंकि उन्हें जो सीटें मिली कॉलेज में पढ़ाई के लिए, उसमें सिर्फ सीट रिजर्व थी, पास करना रिजर्व नहीं था। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 10 सीटें शेड्यूल कास्ट को जानी है या शेड्यूल ट्राइब को जानी है या ओबीसी को जानी है तो सीट का रिजर्वेशन है, उसको क्लास में जो मार्क्स लाने पड़ेंगे उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर 100 में से 50 नंबर पे पास होता है तो हर एक बच्चे को 100 में से 50 नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर वो 100 में से 50 नंबर नहीं लाएगा तो चाहे वो एससी है या ओबीसी है या एसटी है या जनरल है या किसी भी तरह का, अगर वो चाहे हैंडीकैप्ड है या कोई भी है, उसको पास नहीं किया जाएगा। तो पास करने की पॉलिसी नहीं है। इसलिए जो भी इंजीनियर या डॉक्टर या जो पढ़ के अफसर बनते हैं या जो क्लास में पास करते हैं, उनका लेबल बाकी लोगों के लेबल के बराबर होता है और उनमें भी कम ज़्यादा होता है। जैसे जनरल के लोग फिसड्डी होते हैं, वैसे ही इन रिजर्व के लोगों में कुछ फिसड्डी होते हैं। जैसे जनरल के लोगों में कुछ अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, वैसे ही जनरल के लोगों में कुछ अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। दोनों ही कैटेगरी हैं। बेशक एससी एसटी ओबीसी को पढ़ने की सुविधा बहुत दिनों से नहीं मिली है, फिर भी वो चूंकि उनकी पुरानी काबिलियत है सम्राट अशोक के समय की, तो वो निकल के बाहर आ गई और उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि देश में सबसे आगे मेहनत करने वाले वही लोग हैं। तो एससी एसटी पर जब घात किया गया और आघात किया गया तो प्रचार तंत्र का सबसे पहले सहारा लिया गया, क्योंकि किसी को अगर मारना हो जनतंत्र में या लोकतंत्र में तो प्रचार सबसे बड़ा माध्यम है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रचार किया गया, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, तरह तरह के आरक्षण विरोधी जो स्लोगन है या आरक्षण विरोधी जो वीडियो है या आरक्षण विरोधी जो कहा गया ब्लॉग है या वक्तव्य है वो आने शुरू हो गए और उनमें मारामारी गाली गलौच होनी शुरू हुई। दूसरा, जो क्लासरूम के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको टीचर ने हे दृष्टि से या उनको ये जताना शुरू कर दिया कि तुम तो रिजर्व के बच्चे हो, रिजर्व से आए हो, और वहाँ उनको अलग थलग करने की कोशिश की और वहाँ उनको इस बात का एहसास कराना शुरू किया कि तुम रिजर्व के हो और तुम्हारा कुछ अलग से स्टेटस है, तुम भारतीय नहीं हो। तो ये भारतीयों के अंदर जो डिफरेंस पैदा किया, ये बहुत सारे टीचर्स ने स्कूल में किया और वो कर रहे हैं। वो बहुत बड़े देशद्रोही हैं जो बच्चों के मन में इस बात को डालते हैं कि ये रिजर्वेशन वाला है और ये रिजर्वेशन वाला नहीं है। बेसिकली वो भारतीय लोगों के दिमाग में घृणा पैदा कर रहे हैं, भारत को भारत से अलग कर रहे हैं। एक सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन के तहत में नौकरियां मिली हैं उनमें उनके साथ बहुत भद्दा व्यवहार किया जाता है, उनको चार्जशीट वगैरह दी जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, घेरा बना के ये कोशिश की जाती है कि इसको पहले तो काम दिया ही ना जाए और काम दे दिया जाए तो उसको करने ना दिया जाए और फिर इसको ये प्रूव किया जाए कि काम नहीं आता। फिर भी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मान्यता नहीं दी जाती, जबरदस्ती खामखा उनको डिमोनाइज करने के लिए दो चार बातें कही जाती हैं। जबकि पढ़ाई करके दोनों सेम आए हुए हैं और बहुत सारे केसों में शेड्यूल कास्ट क्योंकि मेहनत करके आते हैं, उनके पास कोई पुरानी संपदा नहीं है पढ़ाई की जो अशोक के समय की तो भूल गए, फिर भी वो लोग अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से ज्यादा काम करते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं। प्राइवेट नौकरियों में, कॉलेज में, यूनिवर्स में चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया गया कि भाई जो रिजर्व के लोग आते हैं ये वैसे ही आ गए हैं, ये फ्री में आ गए हैं, ये नाकाबिल हैं, इनका राइट नहीं बनता। बेसिकली एक जो घटना मेरे साथ घटी और जो मैंने पहले भी बताई है कि मैं जहाँ स्विमिंग करता हूँ वहाँ चार लोग हम करते हैं, एक उसमें ओबीसी हैं, दो उसमें पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, हम चारों आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। अचानक बच्चों के एडमिशन का माहौल बना तो वो जो लोग थे उनके एक बच्चे को विदेश जाना पड़ा, एक बच्चे को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा और एक जो ओबीसी के थे उनके बच्चे को ओबीसी के रिजर्वेशन के तहत में सीट मिल गई। तो वो आपस में कह रहे थे कि ये सारा रिजर्वेशन के लोग ले जाते हैं, रिजर्वेशन वाले ऐसे करते हैं, सीटें नहीं मिलती हैं, 95% वाले को एडमिशन नहीं मिलता है, 60% वाला एडमिशन ले जाता है, ये नियम ठीक नहीं है, ये वो आपस में थोड़ा मनमुटाव वाली बात। जब उनकी सारी बात मैंने सुनी तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताओ क्या 60% वाला और 90% वाला दोनों बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा जी पढ़ना चाहिए। क्या भारत के सभी बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा जी पढ़ना चाहिए। क्या सारे भारत के बच्चों को जहां वो हैं वहीं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है? कह रहे जी ऐसा ही होना चाहिए, जो जहां रहता है उसको वहीं एडमिशन मिलना चाहिए, वहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये काम कर कौन क्यों नहीं रहा है, कौन है वो आदमी, कौन है वो लोग जो इस काम को नहीं कर रहे हैं?
क्यों नहीं कॉलेज खोले, क्यों नहीं स्कूल खोले? क्या किसी देश को तरक्की करने के लिए उनको इतना पता नहीं है कि बिना कॉलेज और बिना स्कूल खोले देश की तरक्की नहीं बन सकती, सुपर पावर नहीं बन सकता? आप हमारी पाकिस्तान से तुलना करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, हम तो पाकिस्तानी बन जाएंगे। आप कभी अमरीका से तुलना करने की हिम्मत नहीं दिखाते, आपके अंदर इतना कैलिबर ही नहीं है कि आप अमरीका से तुलना करो। अमरीका की तो बात छोड़ो, आपका तो चीन से तुलना करने में एकदम खुशक होता है। आपकी तो सोच ही बहुत छोटी है। आप जो प्रचार कर रहे हो कि पाकिस्तान ने ये किया पाकिस्तान ने वो किया, अरे आप अमेरिका से करो ना, आप जर्मन से करो, आप जापान से करो, और कम से कम चीन से ही कर लो आप। तो आपकी सोच ही छोटी है, तो आप क्या कॉलेज खोलोगे और क्या स्कूल खोलोगे और क्या बच्चों के भारत के लोगों को पढ़ाओ? क्योंकि आपको भारत को महाशक्ति नहीं बनाना है, महागरीब बनाना है, महापूर बनाना है, महाकमजोर बनाना है। तो उन्होंने कहा जी ये बात तो हमने कभी सोची नहीं, ये तो हमारे दिमाग में आई नहीं। हमें तो हमेशा यही बताते रहे कि देखो सारी सीट रिजर्वेशन वाले ले गए, सारी सीट रिजर्वेशन वाले ले गए, सारी सीट रिजर्वेशन वाले ले गए। अरे भाई वो दिमाग में यही बात डालेंगे, क्योंकि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा सेट किया हुआ है, एक प्रचार सेट किया हुआ है कि रिजर्वेशन वाले लोगों को डाउन करना है, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है। वो जो सारा रिजर्वेशन खुद खा रहे हैं, फिर उनका रिजर्वेशन बटेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको कम्पीट करना पड़ेगा। ये ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं ये बहुत लायक हैं, ये पुराने राजा रहे हैं, ये पुराने पढ़े हुए हैं। अशोक सम्राट के समय तो सिलाओं पर किताबें पत्थर की किताब हुआ करती थी, सब लोग पढ़ते थे। ये कमाल की बात है कि जो धम्म लिपि है उसको पढ़ने वाले सारे लोग थे पूरे भारत में, ईरान तक। तो उन्होंने कहा ये तो हमने कभी समझा नहीं, तो इसको सोचो। तो उनका झगड़ा शांत हो गया, फिर दोबारा से प्यार मोहब्बत उनमें बन गई। यही प्रचार घर घर में, जगह जगह, पार्क पार्क में, हर जगह जहां भी गैदरिंग होती है, औरतों में बच्चों में डाला जा रहा है। उनको बाकायदा उनके दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि रिजर्वेशन अच्छी चीज नहीं है, रिजर्वेशन से देश बड़ा पीछे हो गया, रिजर्वेशन से हम खत्म हो गए, रिजर्वेशन ने हमारा नुकसान कर दिया। एक डॉक्टर मुझे मिले, वो कहने लगे जी कि ये रिजर्वेशन के डॉक्टर ठीक नहीं होते। मैंने कहा भाई आप मत कराओ ना इलाज, रिजर्वेशन के डॉक्टर के पास आप जाते क्यों, आपको जरूरत क्या पड़ी है? 100 में 85, 100 में 90 बिना रिजर्वेशन वाले डॉक्टर हैं, आप 10% वालों के पास ही क्यों जा रहे हो? अरे ये 85% जो लोग हैं इनके भी तो डॉक्टर चाहिए, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, वो उनका इलाज उनसे करा लेंगे, आप अपने डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। कह रहे जी नहीं ये क्या बात हुई। मैंने कहा बात तो आप खराब कर रहे हो, आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, आप इन डॉक्टर के पास जाते क्यों हो, आपको ये नाकाबिल डॉक्टर अच्छे क्यों लगते हैं? कह रहा जी मगर ये नाकाबिल नहीं होने चाहिए। अरे भाई आपके लिए तो नाकाबिल हैं, उन 85% वाले से पूछो जो मेहनत करके आए हैं, और उनके लिए वो डॉक्टर कितने अच्छे हैं और वो कितने सस्ते हैं और कितने बढ़िया हैं, वो जानकारी है, आप मत जाओ ना। भाई वो बार बार यही कहते रहे जी ये ठीक नहीं है। भाई ठीक क्या नहीं है, वो क्लास में पढ़ के आया है, पास करके आया है, आपने पासिंग मार्क्स बनाए हुए हैं, उनको क्वालिफाई करके आया है। वो रिजर्वेशन लेके नहीं आया क्लास में, उसने बाकायदा मेहनत की है, जितना किसी और बच्चे ने पासिंग मार्क्स लेकर आया है। आपने अगर क्राइटेरिया 50% का बनाया तो उसने पूरा किया है, आपने अगर 60% का बनाया तो पूरा किया है, बावजूद इसके कि उसके पास में ना तो संसाधन है, ना ही पढ़ाई लिखाई के लिए उसके पास पैसा है, ना ही उसका माँ बाप पढ़ा हुआ है, ना ही वो पहले से पढ़ता हुआ चला आ रहा है, ना उसको ज्ञान है। उसने भाषा सीखी है, डबल मेहनत की है उसने। आपके बच्चे तो थाली में रखी हुई चीज़ें लेके आते हैं, शुरू से इंग्लिश सीखते हैं, उस बेचारे को तो इंग्लिश भी क्लास 6 से मिली है, कई बार क्लास 6 से भी नहीं मिलती। आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते, वो ज़्यादा काबिल है, क्योंकि वो उन जगह से आया है जहाँ पढ़ने का आदमी सोच नहीं सकता, जहाँ रोटी पहले चाहिए। फिर वो निरुत्तर होकर चले गए, मगर मैं उनकी भावना समझ गया। बेसिकली उनको दर्द जो हो रहा था वो कुछ और तरह का दर्द उनको पेट में चल रहा था। ये सिखाते हैं, हमला करते हैं कि एक जाति दूसरी जाति का आरक्षण खा गई। भाई ये वाली जाति के लोग तो ज़्यादा आरक्षण ले गए और वो वाली जाति के ज़्यादा ले गए। अरे वो तो बात छोड़ो, कौन जाति है कौन ले गए, देने वाला कौन है? 70 साल से जब से आरक्षण बना है आप आरक्षण बांट रहे हो, आप दे रहे हो, नाइंसाफी आपने की है। आपको समझ आनी चाहिए कि आप देश में नाइंसाफी कर रहे हो, आपको सबको बराबर देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया? और अगर ज़्यादा लोग पढ़ने वाले थे, ज़्यादा काबिल थे, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बढ़ाया? क्या आप देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? या आप उन जातियों को आपस में एक दूसरे से लड़ा रहे हो कि इस जाति का वो खा गई, उस जाति का वो खा गई? और ओबीसी का कौन खा गया? 50% 52% जो ओबीसी का अभी तक दिया ही नहीं गया उसको कौन खा रहा है, उसका भी जिक्र कर लेते। तो उस ओबीसी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें से ए को दे देते, बी को देते और डबल दे देते, किसने रोका है, कौन मना कर रहा है? ओबीसी का सारा आरक्षण आप लोगे और जो ए और बी सी इनको आपस में लड़ाओगे? तो ये आघात उनके दिमाग से बहुत तेजी से चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। वेरी गुड भाई, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, मगर आर्थिक आधार सबके लिए होना चाहिए ना। ये खाली एससी एसटी ओबीसी के लिए ही आर्थिक आधार है क्या?
आर्थिक आधार बाकी लोगों के लिए नहीं है, जो जिस आदमी की आमदनी पहले ही बहुत है, जिसके पास महल हैं, बंगले हैं, कोठियां हैं, जिसके पास में पैसा है, जिसके घर में सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका भी तो आर्थिक आधार होना चाहिए। आर्थिक आधार समान रूप से लागू होना चाहिए तो अच्छी बात है, पर आर्थिक आधार पिक एंड चूज पर होगा तो गलत हो गया, फिर तो इनजस्टिस है, आपकी नीयत ठीक नहीं है। प्रमोशन में रिजर्वेशन रोक दिया। अरे भाई, प्रमोशन में रिजर्वेशन रोक के आप भारत के प्रमोशन को रोक रहे हैं। जो व्यक्ति घुटनों के बल चल रहा है, अगर आप उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो भारत के बाकी लोग पीछे रह जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। ये एक नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि प्रमोशन की जो कंडीशन है उसमें प्रमोट करने के लिए आपको उसको जंप देनी पड़ेगी। अगर आप जंप नहीं देंगे तो वो रह जाएगा, क्योंकि जब उनकी भर्ती करते हैं तो वो लिस्ट में सबसे नीचे होते हैं, उनको जान के सबसे नीचे रखा जाता है। तो जो सबसे नीचे रखा गया उसकी तो प्रमोशन कभी होगी नहीं, वो तो प्रमोट कभी होगा नहीं, क्योंकि आपने उसको इंटरव्यू में भी नंबर कम दिए हैं और वो पढ़ने दिखने में भी इतना ज्यादा तेज है नहीं, क्योंकि उसके संसाधन बड़े कम हैं, जानकारी बड़ी कम है, तो वो तो स्ट्रगलर है, स्ट्रगलर तो हमेशा कमजोर होता है, तो फिर वो प्रमोट होगा नहीं। तो जब प्रमोट नहीं होगा तो उसका मन मर जाएगा, मन मर जाएगा तो देश का मन मर जाएगा, तो देश पीछे रह जाएगा। तो आप देश द्रोही हो क्या, जो आप प्रमोशन में रिजर्वेशन को रोक के बैठे हुए हो। बच्चों में ये भावना घिरी जा रही है कि बच्चे रिजर्वेशन ना लें, ये ठीक नहीं होता। अरे भाई, देश का रिजर्वेशन है, देश दे रहा है, देश कोई चीज देता है तो उसमें खराब क्या, अच्छा क्या, देश तो जो भी दे वो बहुत बढ़िया है। कितने लोग हैं जो सब्सिडी ले गए, अब सब्सिडी को भीख कहते हैं, अरबों खरबों रुपए की सब्सिडी ले गए, लोग बैंकों से सब्सिडियां ले रहे हैं, कंपनियां सब्सिडी की लग रही हैं, ये क्या है, ये रिजर्वेशन नहीं है क्या? आप छूट ले रहे हो एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में, ये क्या है, रिजर्वेशन नहीं है क्या? आप छूट ले रहे हो हर जगह आप कोई ना कोई अनुदान ले रहे हो, गवर्नमेंट से आप लेते हो, गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है, छूट देती है, ये क्या है? आपके खाते में कौशल का पैसा आता है जब आप कौशल सीखते हो, गैस की सब्सिडी आती है, ये क्या है? ये रिजर्वेशन का पैसा है, ये छूट का पैसा है, ऐसे उसको छूट मिली है। तो बच्चे को आप क्या उल्टा सिखा रहे हो? या तो आप जितनी सब्सिडी है, जितना भी एनपीए है, जितना भी आपको लोन अब तक आपने लिया है, जो छूट मिली है, जो आपको सब्सिडी है, जो आपको बेनिफिट्स मिले, उनको वापस कर दो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मत लो उन्हें, इतना ही खुददार हो तो। या बच्चों के दिमाग में ये बात मत भरो कि बच्चों ये जो आरक्षण है ये ठीक नहीं है, वो उनका राइट है। आप भारत में बच्चों को उनका राइट लेने से रोक रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, आप उनको गलत भावना सिखा रहे हैं, आप उनको ये बात गलत सिखा रहे हैं कि आरक्षण लेने से कहीं कुछ कमजोर होता है। अगर कहीं कुछ कमजोर होता है तो जो तुम अरबों खरबों रुपए का जो तुमने आरक्षण लिया है और जो तुम अरबों खरबों रुपए का तुम आरक्षण लेते चले आ रहे हो, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए अगर बच्चे में ऐसी भावना बढ़ते हो तो। इसलिए ऐसे गलत और देशद्रोही काम मत करो, बच्चों को ऐसा मत सिखाओ कि बच्चों आरक्षण लेना ठीक नहीं है, ये उनका राइट है, वो हजारों साल से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनको भारत में आगे बढ़ना है, भारत को आगे लेके जाना है, दुनिया में चीन और अमेरिका से आगे जाना है, तो उनको पढ़ाई में जंप करना पड़ेगा, उनको नौकरी में जंप देना पड़ेगा, उनको रोजी रोटी देनी पड़ेगी, तब भारत बनेगा महान भारत, अदरवाइज जिंदगी में नहीं बनेगा। और ये बात ध्यान रखें, अगर महान भारत का नेता बनना है तो सबको साथ बनना है, और गरीब भारत का नेता बन के जाके दुनिया में पिटना है तो मत दो इनको कुछ भी, छीन लो इनका खाना, छीन लो इनकी नौकरी, छीन लो इनका पैसा। गरीब भारत के नेता बनो, कुत्ता नहीं पूछेगा आपको, दुनिया में बेइज्जती होगी। कहां से आए हो? भारत से आए, जहां क्या बीन बस्ती और सांप नाचते हैं, ऐसी छवि हमारी है वहां। इस छवि को तोड़ने के लिए 100% के 100% लोग लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, सभी लोगों को बराबर चीज मिलनी चाहिए, ताकि सब लोग कंधे से कंधा मिला के काम करें और इसको अमेरिका से आगे पहुंचा दें। कहते हैं आरक्षण वाले काबिल नहीं है, ये आरक्षण वाले काबिल क्यों नहीं है? आपने जो उनको पढ़ाया कि आपके पढ़ाने में कमी रह गई, आप नाकाबिल थे जो आपने उनको पढ़ा नहीं पाए, आपने जो कॉलेजों में जो उनको शिक्षाएं दी, आप ही थे पढ़ाने वाले, रिजर्वेशन वाले तो थे नहीं, आप ही उनके गुरु थे, आप ही इनके टीचर रहे हैं, आप ही ने उनकी परीक्षा ली है, आप ही उनको सिखाने वाले हैं, तो ये बात मान के चले कि आप नाकाबिल हैं, आप उनको ढंग से पढ़ा नहीं पाए, आप उनको ढंग से सिखा नहीं पाए, आपके सिखाने में आपके बताने में कमी है। क्योंकि जिसका गुरु कमजोर होगा उसका शिष्य कमजोर होगा, जिसका गुरु सबल होगा उसका शिष्य भी सबल होगा। तो आप अगर ये कहते हो कि आरक्षण वाले काबिल नहीं है, तो एक उंगली आप उनकी तरफ उठाते हो तो 5-4 उंगली आपकी तरफ उठती है कि आप भी काबिल नहीं हो, आप उनको सही से शिक्षा नहीं दे पाए, आपको शिक्षा देनी नहीं आती। अगर आप पढ़ाने लायक होते और काबिल होते तो दुनिया में एजुकेशन का डंका ऐसे ही बजता जैसे सम्राट अशोक के समय में यहाँ 12 यूनिवर्सिटियां पूरी दुनिया के अंदर फेमस थी और दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी और जिसका कमाल का क्या बोलते हैं व्यक्तित्व था, पूरी दुनिया से लोग आते थे, ऐसी कितनी सारी यूनिवर्सिटियां रही हैं। तो आप इस बात को स्वीकार करो कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो रिजर्व के लोग हैं, वो नाकाबिल है, क्योंकि हम उनको काबिल की तरह से पढ़ा नहीं पाए, हम
नाकाबिल लोग रहे जो उनको समझा नहीं पाए, सिखा नहीं पाए। मगर शेड्यूल कास्ट के लोग नाकाबिल नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में किसी भी गलत काम में आगे नहीं है, ना करप्शन में है, ना पैसा लेके भागने में है, ना किसी अपराध में है। वो बहुत सज्जन है, क्योंकि वो पुराने बुद्धिस्ट लोग हैं और अभी भी वो बुद्ध का पालन करते हैं, वो पंचशील का पालन करते हैं। उनकी वैसे दुनिया, उनकी सज्जनता की वैसे दुनिया भारत को सम्मान देती है, इसलिए वो बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार हैं। आप उनको बार बार जब नाकाबिल कहते हो, तो आप अपने आप को ये देखो कि आप कितने नाकाबिल हो जो उनको काबिल नहीं बना पाए, या जो उनकी काबिलियत को नाकाबिल में बदलने के लिए हमेशा प्रचार करते रहते हैं। आरक्षित लोगों की, रियल लोगों की काबिलियत सिद्ध ना हो जाए, इसलिए उनके कार्य को आप मानते नहीं, उनको बार बार डिमोलाइज करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि वो भारत के ही लोग हैं, और भारत के लोग अगर भारत के लोगों को नाकाबिल कहेंगे तो खाई गहरी हो जाएगी, और वो लोग भी आपको मान सम्मान नहीं देंगे। फिर आप कभी मुसीबत में आएंगे तो मुंह उठा के देखते रहेंगे, वो बराबर से निकल जाएंगे। इसलिए ऐसी हरकत ना करें जो देशद्रोही है, जो आतंकवादी है, या जो देश के लोगों को तोड़ने वाली है। जो लोग ओबीसी से आरक्षण लेके आए हैं, उनके मन में ये बात डाली जाती है कि आप ओबीसी नहीं है, आप तो शूद्री नहीं है, आप तो शुद्धि नहीं है। उनको रिजर्वेशन मिला है तो इसी के तहत मिला है कि वो ओबीसी हैं, तो वो ओबीसी हैं, तभी उनको सर्टिफिकेट मिला है उन्होंने, तो वो खुद स्वीकार करते हैं कि ओबीसी हैं। आप उनके मन में ये बात डालते हो आप छत्री हो, आप ओबीसी नहीं हो, आप एससी एसटी के साथ मत बैठो। भाई आप भारत के लोगों को भारत के लोगों से क्यों तोड़ रहे हो? अभी 1932 से पहले कोई एससी एसटी ओबीसी का शब्द नहीं था, सारे लोग यहाँ पे शुद्ध हुआ करते थे या अति शुद्ध होते थे, यानी अनटचेबल होते थे। ये शब्द संवैधानिक शब्द है जो बाद में आए, तो संवैधानिक शब्द को कहने में दिक्कत क्या है? ओबीसी कहने से वो कोई गैर भारतीय नहीं हो जाएगा, ओबीसी कहने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाएगा, एससी एसटी कहने से कोई चीन का नहीं बन जाएगा, या एससी एसटी ओबीसी अगर साथ होंगे तो इसमें कोई खराब बात नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से सब साथ ही रहे हैं। उसमें कुछ पिछड़े हैं, कुछ ज्यादा पिछड़े हैं, इसी का वर्गीकरण किया गया ताकि ज्यादा जो पिछड़े लोग हैं उनको पहले फायदा मिले और जो कम पिछड़े हैं उनको बाद में फायदा मिले। तो दोनों ही पिछड़े हैं, एससी एसटी और ओबीसी को ही बैकवर्ड बोलते हैं, इन्हीं के तीन पार्ट हैं, तीनों बैकवर्ड हैं। तो इस बात को समझाइए कि तीनों बैकवर्ड रहे हैं और फॉरवर्ड को आगे बढ़ के उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वागत नहीं करेंगे तो दुनिया मानसिक रूप से गुलाम बना के फॉरवर्ड का शोषण करती रहेगी। अब तो विदेशों में जो फॉरवर्ड लोग गए हैं उनकी वहां पिटाई और ठुकाई होने लगी है, और उनको वहां दोयम दर्जे का इंसान बोलते हैं, उनको वहां से गो बैक टू इंडिया करके या बार बार बेइज्जत भी किया जाता है और हमला भी होने शुरू हो गए हैं। उस स्थिति को समझिए कि अपने देश में बिगाड़ के जाओगे, बाहर कोई पूछेगा नहीं, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आरक्षण को खत्म करने के लिए सीधा विरोध है नहीं, तो इनडायरेक्ट वे में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उस पर हमले किए जाते हैं बार बार और ऑलमोस्ट उसको खत्म किया जाता है। इसके परिणाम देश के लिए ठीक नहीं होंगे, क्योंकि पहले अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो अगर जब सारे लोग अनपढ़ थे और नौकरियां नहीं थी तब की तरक्की में, और जब बाकी लोगों ने अपना योगदान दिया उसकी तरक्की में बहुत ज्यादा अंतर आया है। सभी लोग पढ़ेंगे, सबको बराबर समान हिस्सा मिलेगा, तो देश के लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, अदरवाइज देश के लोग कंधे से कंधा मिला के काम नहीं करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण खराब है, उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि आरक्षण बहुत अच्छा है, क्योंकि आरक्षण अगर अच्छा नहीं होता तो 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है उसको लोग लेते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। सरकार ने 10% आरक्षण दिया जो गरीब जनर के लोग थे, और उन्होंने स्वीकार किया और सबने उसका स्वागत किया, इसका मतलब आरक्षण की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। आरक्षण अच्छा है इसलिए एमपी एमएलए बिना मांगे भी उनका 10 साल का आरक्षण बढ़ जाता है, जबकि कोई भी आम आदमी या कोई भी पब्लिक कभी भी 10 साल के आरक्षण के लिए कोई डिमांड नहीं करती, कोई प्रदर्शन नहीं होता, फिर भी एमपी एमएलए का आरक्षण एससी एसटी का हर साल 10 साल के लिए बढ़ जाता है, हर 10वें साल। इसका मतलब आरक्षण अच्छा है। आरक्षण अच्छा है इसलिए भारत हमेशा यूएनओ में अपनी वीटो पावर के लिए, आरक्षण के लिए कहता है कि उसे भी वो पावर मिले जिससे वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सके और उस क्लब में शामिल हो सके जहां वीटो पावर अपना यूज इस्तेमाल कर सकती है, उसमें उसका रिजर्वेशन होना चाहिए, जो कि हो नहीं पा रहा है। आरक्षण अच्छा है इसलिए अमेरिका में जो वीजा होते हैं उसमें यह कहा जाता है कि भारत के लिए जो कोटा है उसका आरक्षण किया जाए, उसके आरक्षण को बढ़ाया जाए, यानी भारत छोड़ के जो लोग बाहर जाते हैं और वहां जाके नौकरी करना पसंद करते हैं भारत छोड़कर, वो वहां आरक्षण की डिमांड करते हैं कि ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वहां H1B1 वीजा मिले। आरक्षण अच्छा है इसलिए भारत चाहता है कि उसका जो पॉलिसी है, जो उसका रिजर्वेशन है, वो विकासशील देशों के तहत में हमेशा आरक्षित रहे, ये तमगा उसे लगातार मिले। इसलिए आरक्षण की पॉलिसी बेसिकली खराब नहीं है। आरक्षण का दुष्प्रचार ना करें, आरक्षण का सहयोग करें और सही बात कहें जिससे देश आगे बढ़े। धन्यवाद।